स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SMKG में। रिलायंस इन्फ्रा को लेके बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। रिलायंस इन्फ्रा यहाँ पे डेप्ट रिड्यूस कर रहा है। रिलायंस इन्फ्रा का जो शेयर है 200 के आसपास अभी पहुंच गया है। एक ज़बरदस्त रिटर्न रिलायंस इन्फ्रा ने इन्वेस्टर्स को दिया है। एक ज़बरदस्त तेज़ी जो है रिलायंस इन्फ्रा के शेयर में देखने को मिला है। ये शेयर हो सकता है कि यहाँ से भी तेज़ी बनाए, ऐसे कुछ अपडेट्स देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग दोस्तों रिलायंस इन्फ्रा के शेयर को लेकर क्या करना चाहिए रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर में। वीडियो पे पूरा बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल SMKG को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रिलायंस इन्फ्रा जो कि एनएलएम बने कंपनी है, तो रिलायंस इन्फ्रा के शेयर ने एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे बनाया कंपनी है। रिलायंस पावर में देखते हैं तो रिलायंस पावर ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो एनएलएम बने की दो तीन कंपनी जैसे रिलायंस इन्फ्रा, रिलायंस पावर, एक ज़बरदस्त रिटर्न, एक ज़बरदस्त तेज़ी बनाया है। फिलहाल रिलायंस इन्फ्रा का यहाँ पे देखते हैं जो ड्यूरेबिलिटी है जो कि 25 है आउट ऑफ 100। वैल्यूएशन की बात करते हैं दोस्तों 46.70 है आउट ऑफ 100। मोमेंटम की बात करते हैं दोस्तों 55.60 है आउट ऑफ 100। रिलायंस इन्फ्रा का यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे वन मंथ में रिलायंस इन्फ्रा ने जो हाई प्राइस बनाया है जो कि 308 रुपीज़ का है और जो लो प्राइस बनाया है 182.10 पैसे का। और एक हफ्ते की बात करते हैं दोस्तों जो हाई प्राइस बनाया है 293.05 पैसे का और जो लो प्राइस है 182.10 पैसे का। तो रिलायंस इन्फ्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हफ्ते में शेयर जो है 293 के आसपास पहुँच गया था। तो अभी ऐसे कुछ अपडेट्स आया है इसके चलते शेयर हो सकता है कि एक बार यहाँ से तेज़ी बनाए। रिलायंस इन्फ्रा के शेयर का या फिर रिलायंस इन्फ्रा के कंपनी का, माफ़ कीजिए, कंपनी का जो है कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है इंक्रीज्ड शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ, कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक्स ओवर 5 ईयर्स निफ्टी 500 का आप देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, तो इसका जो कोर बिजनेस है उसके से उसमें से अगर देखते हैं तो जो नेट कैश है वो अच्छा जनरेट कर रहा है रिलायंस इन्फ्रा, अच्छा खासा जो है नेट कैश जनरेट कर रहा है। इम्प्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो रिलायंस इन्फ्रा के बोल सकते कि स्ट्रेंथ है। कुछ वीकनेसेस है रिलायंस इन्फ्रा का वो यहाँ पे देखते हैं। तो जो हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स है कंपेयर टू अर्निंग्स, तो रिलायंस इन्फ्रा जितना अर्निंग करता है उससे ज़्यादा जो इसका इंटरेस्ट पेमेंट है वो है। लो ड्यूरेबिलिटी कंपनी है, लो ड्यूरेबिलिटी कंपनी से इनसफिशियंट यूज़ ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट्स, तो जो प्रॉफिट वगैरह जनरेट होता है उसका अगर देखते हैं तो मतलब जो कैपिटल है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता है रिलायंस इन्फ्रा जो है जो बोलते कि जो प्रॉफिट है वो जनरेट करने के लिए। ROCE जो है डिक्लाइन हो रहा है पिछले 2 साल से। इस इनसफिशियंट यूज़ ऑफ शेयर होल्डर जो फंड्स है वो उसका जो यूज़ है इनसफिशियंट है। ROE जो है डिक्लाइन हो रहा है पिछले 2 साल से। इनसफिशियंट यूज़ ऑफ एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, ROA डिक्लाइनिंग इन द पास्ट 2 ईयर्स। अभी यहाँ पे कंपनी के इतने सारे वीकनेस भी है रिलायंस इन्फ्रा का, तो अगर हम लोग शेयर खरीदते या बेचते हैं रिलायंस इन्फ्रा का तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। कंपनी का रिलायंस इन्फ्रा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों जो कि 7,912.7 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेक्निकली बात करते हैं रिलायंस इन्फ्रा का शेयर कैसा है, तो टेक्निकली दोस्तों बोल सकते कि रिलायंस इन्फ्रा का जो ये शेयर है एक न्यूट्रल लेवल पर चल रहा है। वही RSI इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे। तो यहाँ पे जो ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है ये अभी का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि जब आप शेयर खरीदे या बेचे तब आपको कुछ अलग से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। MACD इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। और दोस्तों यहाँ पे माफ़ कीजिए, MACD इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ये एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी देखते हैं थोड़ा डिटेल में रिलायंस इन्फ्रा के शेयर को लेके, फिर देख सकते हैं एक दिन में रिलायंस इन्फ्रा के शेयर में BSE और NSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है जो कि 14.9 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज इस शेयर का है रिलायंस इन्फ्रा का 40.8% का। रिलायंस इन्फ्रा का जो डिलीवरी वॉल्यूम है एक दिन का 6.1 मिलियन का है। एक हफ्ते का BSE NSE मिला के एवरेज देखते हैं तो 20.1 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज जो है रिलायंस इन्फ्रा का देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस इन्फ्रा का जो कि 38.1% है एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है रिलायंस इन्फ्रा का 7.7 मिलियन का है। वन मंथ का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिला रिलायंस इन्फ्रा के शेयर में 11.7 मिलियन का और डिलीवरी परसेंटेज जो है रिलायंस इन्फ्रा का जो कि 34.4% का है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है रिलायंस इन्फ्रा का 4 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इन्फ्रा के शेयर का आप देख सकते हैं जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और रिलायंस इन्फ्रा के शेयर का जो डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों रिलायंस इन्फ्रा
रिलायंस इंफ्रा में जो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास 16.5% का स्टेक है, तो बहुत ज़्यादा स्टेक प्रोमोटर्स के पास फिलहाल नहीं है। FIS के पास 12.69% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.08% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 2.58% का स्टेक है और पब्लिक के पास 68.03% का स्टेक है। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स जो हैं, प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा कुछ स्टेक नहीं है। तो मैं समझते हैं कि रिलायंस इंफ्रा में क्या ऐसा चल रहा है जिसके चलते शेयर यहाँ पे तेज़ी बना रहा है। देखिए रिलायंस इंफ्रा जो है यहाँ पे जो इसके डेप्ट है वो कम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डेप्ट सेटलमेंट पेव्स वे फॉर रिलायंस इंफ्रा स्टेक सेल इन MMOPL। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो रिलायंस इंफ्रा का जो है यहाँ पे डेप्ट कम करने के लिए रिलायंस इंफ्रा यहाँ पे स्टेक वगैरह सेल करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा जो है सेटल किया है इसका जो डेप्ट है SBI और IDBI बैंक के साथ। तो SBI और IBI के जो भी डेप्ट है रिलायंस इंफ्रा ने वो सेटल किया है दोस्तों। एनेबलिंग द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू एक्वायर इन स्टेक इन मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है एक्वायर कर रहा है जो स्टेक है मुंबई मेट्रो प्राइवेट लिमिटेड का। द नेशनल कंपनी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जो है यहाँ पे डिस्पोज किया है ऑफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट MMOPL फॉलोइंग ए वन टाइम डेप्ट सेटलमेंट एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर्स एंड कंपनी। तो यहाँ पे NCLT के पास मतलब NCLT जो यहाँ पे बोल सकते कि जो MMOPL को लेके जो बोल सकते कि एक ये था कि सेटलमेंट ये गया था कि NCLT के पास गया था, तो उसको जो है फिलहाल NCLT ने खारिज किया है। और यहाँ पे क्योंकि जो रिलायंस इंफ्रा है वो बताया कि जो SBI और IDBI के साथ सेटलमेंट है वो रिलायंस इंफ्रा करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जो है ये स्टेक सेल कर रहा है रिलायंस इंफ्रा और डेब्ट भी कम कर रहा है रिलायंस इंफ्रा का। देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा जो है कंटिन्यू कुछ दिन पहले जो है एक शेयर जो है डाउन हुआ था, शेयर तेज़ी मतलब बीच में जो है ज़बरदस्त तेज़ी बना है, उसके बाद शेयर में जो है एक डाउन बनता हुआ देखने को मिला था, जहाँ पे रिलायंस इंफ्रा का शेयर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है रूलिंग दैट ओवरटर्न्ड इन प्रायर डिसीजन कंप्लेनिंग DMRC। तो यहाँ पे कुछ अपडेट चल रहा था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अपडेट आया था शेयर में, उसके चलते एक ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को बनता हुआ देखने को मिला था। रिलायंस इंफ्रा का अभी देखेंगे तो जो बोल सकते कि कुछ इसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुछ इसके पास प्रोजेक्ट्स है, जिसके चलते कंपनी जो है आगे चल के हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए। फिलहाल हमें नहीं लगता है कि फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है रिलायंस इंफ्रा कि जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट वगैरह करें या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करें रिलायंस इंफ्रा। हो सकता है कि आगे चल के ये स्ट्रॉन्ग बने कंपनी। फिलहाल देखते हैं दोस्तों, जो FIS है जो है स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे FIS ने जो है स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, बढ़ा के 12.69% का कर दिया है। वही दोस्तों बात करते हैं कंपनी का, देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड है रिलायंस इंफ्रा में 0.06% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 0.08% का स्टेक किया है। एंड यहाँ पे देखते हैं तो जो बोल सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा में जो रिटेल शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर्स के पास 68.07% का स्टेक था, रिटेल शेयर होल्डर्स ने जो है स्टेक यहाँ पे रिड्यूस करके 68.03% का स्टेक किया है। प्रॉफिट की बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा का, जो कुछ खास प्रॉफिट या रेवेन्यू जो है रिलायंस इंफ्रा जनरेट नहीं कर रहा है कुछ अगर देखते हैं हम लोग क्वार्टर से या फिर कुछ सालों से। तो रिलायंस इंफ्रा का कुछ अगर देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स का तो कुछ खास प्रॉफिट वगैरह जो है रिलायंस इंफ्रा में जनरेट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं तो पिछले दो क्वार्टर का रिलायंस इंफ्रा का प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों, तो जो कि माइनस में 294.06 करोड़ का था वो आप देख सकते हैं जो है माइनस में 421.17 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो पर क्वार्टर अगर देखते हैं तो 43.2% जो इसका प्रॉफिट है डिक्रीज हो रहा है, डाउन हो रहा है इसका प्रॉफिट पर क्वार्टर। तो अभी यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा का जो रेवेन्यू है वो देखते हैं तो पिछले दो क्वार्टर का रेवेन्यू देख सकते हैं आप 7.37,000 करोड़ से रेवेन्यू जहाँ पे माइनस मतलब जो है 5.06 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि देख सकते हैं मतलब 7.37,000 करोड़ से 5.06 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और पर क्वार्टर जो इसका रेवेन्यू है 31.4% डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी उतना कुछ खास प्रॉफिट वगैरह रेवेन्यू वगैरह इसका रिलायंस इंफ्रा का नहीं है। तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि आगे चल के कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस करे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक दिन का जो इसका लो प्राइस है रिलायंस इंफ्रा का 201.35 पैसे का है और जो हाई प्राइस है 201.65 पैसे का।
52 का लो प्राइस 131.40 पैसे का और 52 का हाई प्राइस 308 रुपीज़ का। तो 52 में देखेंगे तो शेयर 300 रुपये के ऊपर पहुंच गया था। और अभी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, वन मंथ में रिलायंस इंफ्रा का शेयर जो है लगभग 21.88% डाउन हुआ है। थ्री मंथ्स का देखते हैं तो 9.89% डाउन हुआ है और वन ईयर का देखते हैं तो 23.43% ये शेयर डाउन हुआ है। तो रिलायंस इंफ्रा का देखेंगे दोस्तों, जो अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है, जहाँ पे बोल सकते हैं कंपनी का अगर देखते हैं तो टेक्निकली भी उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है ये कंपनी रिलायंस इंफ्रा। टेक्निकली भी देखते हैं तो शेयर जो है मतलब एक बेयरिश लेवल बना रहा है और प्रोमोटर्स जो है प्रोमोटर्स के पास कुछ खास स्टेक नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई ख़रीदारी करता है तो बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए ऐसा हमें लगता है। जो सेल्स था 7171 करोड़ से सेल्स घट के सेल्स रिड्यूस होके 4657 करोड़ का हुआ था। वही दोस्तों बात करते हैं एक्सपेंसेस का, 6495 करोड़ से सेल्स घट के रिड्यूस होके 4113 करोड़ का हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 676 करोड़ से घट के 545 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं जो कि 118 करोड़ माइनस में था, 7 करोड़ माइनस में देखने को मिल रहा है जो कि Q3 24 का रिजल्ट था उसमें। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 182 करोड़ माइनस में था और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 301 करोड़ माइनस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रा का Q3 24 का रिजल्ट कुछ खास नहीं था। कंपनी के पास देखेंगे तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स फिलहाल हैं जहाँ पे देखेंगे तो मतलब जो बिजनेस है इसका एनर्जी सेक्टर्स में बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजनेस है एंड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में इसका बिजनेस है और डिफेंस सेक्टर में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। तो इतने सारे इसके बिजनेसेस है। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे इसके बिजनेसेस है और यहाँ पे रेवेन्यू जो है रेवेन्यू का देखते हैं तो पावर सेक्टर जो है रिलायंस इंफ्रा का जो पावर सेक्टर है उसमें से देखते हैं तो अच्छा खासा एक रेवेन्यू जो इसको जनरेट होता है रिलायंस इंफ्रा का। अभी यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा जो है बहुत सारे एसेट्स वगैरह भी सेल किया है एंड यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी हो सकता है कि आगे चल के प्रॉफिट यहाँ पे जो है अच्छा खासा जनरेट हो। फिलहाल हमें नहीं लगता है कि रिलायंस इंफ्रा के शेयर में बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस रख के शेयर में खरीदारी करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा समय आपको रुकना भी पड़ सकता है अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस रखते हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर में। थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं रिलायंस इंफ्रा को लेके, इस कंपनी को लेके, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है इसका 0.83 टाइम्स में चल रहा है इसके बुक वैल्यू का। तो जो इसका बुक वैल्यू है उससे 0.83 टाइम्स में रिलायंस इंफ्रा का शेयर चल रहा है। डेप्टर डेज जो है डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 66.3 डेज। रिलायंस इंफ्रा का ऐसे कुछ चीज़ें हैं वो देखना चाहिए हमें। तो मतलब जब हम लोग रिलायंस इंफ्रा का शेयर यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है एंड मतलब यहाँ पे कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.56% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग इज लो जो कि 16.5% है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 0.48% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। इसका जो लाइबिलिटीज है रिलायंस इंफ्रा का कंपनी कॉस्ट बोरिंग सिम्स हाई। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है रिलायंस इंफ्रा को लेके। दोस्तों आपको कैसा लगता है रिलायंस इंफ्रा के शेयर ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोवेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।